जिला अस्पताल में बीमारियों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले समस्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज के लोग हड़ताल पर हैं। मालूम हो कि यह लोग 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। यह जिला अस्पताल की मुख्य कड़ी है, जिसमें जांच के बाद बीमारियों का पता लगाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। ऐसे में लैब टेक्नीशियनों के हड़ताल पर होने से जिला अस्पताल की जांच व्यवस्था चरमरा गई है। यहां पर आने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश आह्वान के बाद लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकाल के लिए वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। इनका कहना है कि इनकी 13 सूत्री मांगों को जब तक सरकार के द्वारा नहीं माना जाता, तब तक वे लोग हड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। हमारी एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं। कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम सब एक हैं। कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता। हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ग्रेड पे बैलेंस करो, पद नाम बदल दिए। प्रांतीय स्तर पर सभी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो कि 13 तारीख से हम लोगों ने स्ट्राइक प्रारंभ की है। इसके पूर्व 9 तारीख को हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया था। इसके पूर्व शासन को हम लोग 4 पत्र दे चुके हैं। हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, तो 13 सूत्रीय मांगे हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, मगर आश्वासन मिल रहा है, तो मजबूरन हम लोगों को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। जो हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें प्रथम मांग हमारी है, पदनाम हम लोगों का परिवर्तन किया जाए, मेडिकल लैब ऑफिसर किया जाए हम लोगों का पदनाम, और ग्रेड पे 2800 से 4200 हम लोगों को ग्रेड पे किया जाए, और जो संविधान नियुक्त लैब टेक्नीशियन है उनको 15 साल हो गई, 17 साल हो गई, तो उन्हें नियमित किए जाए। और जो लैब टेक्नीशियन है, शासन ने एक नया फंडा निकाल दिया है कि प्रथम वर्ष 70% 80% 90%, तो उसमें ये मांग है हम लोगों की है कि उनको नियुक्त दिनांक से 100% वेतनमान दिया जाए। लैब असिस्टेंट है, उनका 2400 से 2800 ग्रेड पे किया जाए। इस प्रकार लैब अटेंडेंट भी हैं, उनका भी ग्रेड पे किया जाए, और जो हमारे रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। इस प्रकार हम लोगों की 13 सूत्री मांगे हैं। जब तक शासन नहीं मानेगी तो हम लोग ये काम बंद करेंगे, और जनता को इस हम लोग स्ट्राइक की वजह से परेशानी हो रही है, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, मगर हम लोग मजबूरन ये रास्ता अख्तियार किया है। हम लोग यहाँ पे सभी लोग 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की 2800 से 4200 ग्रेड पे हैं, और रेगुलर संविदा जो हम लोग 18 साल से आज मतलब यहाँ पे हैं, तो हम लोगों को रेगुलर किया जाए, और ऐसी ही कई हम लोगों की मांगे हैं जो पूरी की जाए। प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोगों की 13 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसमें मेन हम लोग का पदनाम परिवर्तन, ग्रेड पे में परिवर्तन, और जो शासन ने नया नियम लगाया है 70-80-90 वाला, उसको शुरुआती में 100% सैलरी दी जाए, और पिछले 15-20 साल से जो हमारे रेगुलर संविदा करके उनने जो पोस्ट की हुई है, जिनको 18 साल से रेगुलर संविदा करके रखा है, उनको नियमित किया जाए। प्रदेश सरकार से हम लोग की बस यही कुछ मांगे हैं, जिनके लिए बस अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी भत्ता, ये सब हम लोग की विशेष मांगे हैं। इसके साथ ही जो अभी हमारे भाई सौरभ ने बताया, इसके साथ में भी जो हम लोग सीनियर टेक्नीशियन से एक ही पद पे कार्य करते हुए हम लोग ज्वाइन होते हैं और उसी पे रिटायर हो जाते हैं, इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम लोग का पद परिवर्तन करके उस पर नाम वगैरह बदल के दें, ताकि पहचान बनी रहे कि जूनियर और सीनियर कौन है। इस टाइप की तो बहुत सारी मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि उस टाइप पर जो भी कोई जायज़ मांग है उस पर अपना आभार व्यक्त करें। थैंक यू।